जीतने वालों को मेरा सलाम। डॉक्टर एलन वॉटकिंस कहते हैं कि मैंने कई सीईओज और लीडर्स के साथ काम किया है। ये लोग कमाल के होते हैं, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एनर्जेटिक, लेकिन इनके काम में एक तरफ प्रॉफिट कमाने का प्रेशर है तो दूसरी तरफ इन्हें पॉलिटिक्स और मीडिया से भी निपटना होता है। इनकी पोजीशन और मोटी सैलरी डिमांड करती है कि ये लोग हर दिन स्ट्रेस में सर्वोत्तम काम करें और हमेशा सही डिसीजन लें। लेकिन स्ट्रेस, टेंशन और प्रेशर दिमाग के प्रीफ्रंटल लोब को बंद कर देते हैं, जिस कारण ये लोग काबिल होते हुए भी सही डिसीजन नहीं ले पाते। और यही हम लोगों के साथ भी होता है। हर दिन प्रेशर और टेंशन के चलते हम लोग कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। पहले 3 दिन तो बड़े जोश में काम करते हैं, लेकिन 4th दिन ऐसा ब्रेक लगता है कि हफ्ते भर की छुट्टी हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में साथ रहिएगा, आज आपको हर दिन बेस्ट परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी का राज मिलेगा। डॉक्टर वॉटकिंस कहते हैं कि हम जानते हैं कि हर दिन कंसिस्टेंटली अपना सर्वोत्तम परफॉर्म करने के लिए हमें अपने बिहेवियर में बदलाव लाना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कंसिस्टेंसी से सब लोग परेशान हैं, जो कॉरपोरेट में काम करते हैं, हर दिन टाइम पर ऑफिस जाते हैं वो भी। डॉक्टर एलन कहते हैं कि ये सारे कॉरपोरेट ऑफिस की कहानी है। जब साल में एम्प्लॉयज रिव्यू के लिए जाते हैं तो बॉस कहते हैं, अभिनव तुम्हारा फीडबैक का डेटा है मेरे पास, तुमने ये काम यानी बिहेवियर ही अच्छा किया और ये काम यानी बिहेवियर भी अच्छा नहीं किया, इसमें सुधार करो तो 6 महीने में तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। मतलब इक्वेशन साफ है, आप बिहेवियर ए को बढ़ाओ, बिहेवियर बी को घटाओ और प्रमोशन पाओ। बड़ी लॉजिकल बात है, समझ आनी चाहिए। लेकिन ऑफिस जाने वाले पढ़े लिखे जिम्मेदार बाल बच्चे वाले लोग भी 2-4 दिनों में वापस अपनी पुरानी हरकतों पर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट और जवान लोग आसानी से अपना बिहेवियर बदल दें, इस बात को छोड़ दीजिए। मतलब कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, और जब प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो तो हमें कुछ परतें खुलनी होंगी। अगर आपको बिहेवियर और परफॉर्मेंस बदलना है तो आपको बिहेवियर के अंदर झांकना होगा। बिहेवियर शुरू होता है हमारी थिंकिंग से, और अगर आपकी थिंकिंग कंसिस्टेंट नहीं है तो बिहेवियर और परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट नहीं होगी। लेकिन क्या हम लोग अपने विचारों पर लगातार नज़र रख सकते हैं? बहुत ज़्यादा कठिन काम है। मतलब इससे भी कुछ बेसिक चीज़ होनी चाहिए। आप कैसा सोचते हैं ये निर्भर करता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। डॉक्टर कहते हैं फीलिंग डोमिनेट्स थिंकिंग, और अब तो न्यूरोसाइंस भी इस बात को साबित करती है कि अगर आप स्ट्रेस में हो और शरीर में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन हार्मोन तैर रहे हैं तो उस समय शांति के विचार काम नहीं करते। अगर कोई आपसे कहे कि टेक इट ईजी, शांत रहो, इन विचारों को इग्नोर करो और अपना काम करो, तो आप कहोगे कि कहना आसान है लेकिन हो नहीं पाता। तो सवाल ये है कि फीलिंग्स कहाँ से शुरू होती हैं। फीलिंग से भी फंडामेंटल कंसेप्ट है इमोशन। इमोशंस फीलिंग को दिशा देते हैं, लेकिन इमोशन से भी कुछ बेसिक कंसेप्ट है, वो है आपकी फिजियोलॉजी। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको हर दिन बेहतरीन करना है, हर दिन कंसिस्टेंट रहना है, तो आपको हर लेवल पर कंट्रोल हासिल करना होगा। सबसे पहले फिजियोलॉजी से समझना शुरू करते हैं। जैसे आपने पेट भर छोले भटूरे खाए तो थोड़ी गैस बनी और पेट में थोड़ा तनाव हुआ। डॉक्टर एलन वॉटकिंस कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन प्रेशर वेव के रूप में दिमाग तक पहुंचती है। ये सिग्नल छोटे छोटे डेटा बिट्स की तरह होते हैं। न्यूरोसाइंस की नज़र में फिजियोलॉजी का मतलब है शरीर के छोटे छोटे डेटा सिग्नल्स। उसी तरह आपके हाथ, पैर, पेट, जॉइंट्स, पूरा शरीर दिमाग को सिग्नल भेज रहा है। ये इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, केमिकल और प्रेशर वेव्स हो सकते हैं। अगर आप शरीर के सारे सिस्टम और सारे सिग्नल एक साथ ले लो तो वो कहलाते हैं इमोशंस, मतलब एनर्जी इन मोशन। हर दिन का हर सेकंड हमारा शरीर एक एनर्जेटिक स्टेट से गुजर रहा है, जिसको हम कहते हैं इमोशंस। कभी आप खाना पचा रहे हैं, कभी सो के उठ रहे हैं, कभी टेंशन ले रहे हो, कभी घूम रहे हो, ये एनर्जेटिक स्टेट्स आपके इमोशंस डिसाइड करते हैं। जब आप उस इमोशन के बारे में अवेयर होते हो तो उसे कहते हैं फीलिंग्स। कि यार आज तो काम करने में फील नहीं आ रहा, यार आज तो मन नहीं लग रहा। दिक्कत ये है कि हम फीलिंग, इमोशन और फिजियोलॉजी इन लेवल पर अवेयर नहीं हो पाते और सीधा अपने थिंकिंग और बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर हर दिन कंसिस्टेंट रहना है और स्ट्रेस में अच्छा परफॉर्म करना है तो हमको अपनी फिजियोलॉजी और इमोशंस पर अवेयरनेस और कंट्रोल पाना होगा। तो फिर सबसे ज़रूरी सवाल कि कहाँ से शुरू करें। डॉक्टर कहते हैं कि हम एक खास इलेक्ट्रिकल सिग्नल से शुरू करेंगे जो आपके हृदय से आता है। खून पंप करने के लिए आपका हृदय सिकुड़ता है,
और सिकुड़ने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट कभी कांस्टेंट नहीं होती। जो हमको हार्ट रेट मॉनिटर पे दिखता है वो एवरेज होता है। असल में जो आपकी हार्ट रेट का वेरियंस है, वहीं पर सारा खेल छिपा है। डॉक्टर कहते हैं कि HRV यानी हार्ट रेट वेरियंस की इंडिकेटर है। मैं आपकी HRV का 24 घंटे का डेटा देखकर तीन बातें बता सकता हूँ। पहला कि आप कब तक जियोगे, दूसरा आप कितने एनर्जेटिक हो, आप में खर्च करने के लिए कितनी एनर्जी है यानी आपका शरीर कितना एनर्जी एफिशिएंट है, और तीसरा HRV आपके ब्रेन फंक्शन में बदलाव लाता है। जब आप स्ट्रेस में आते हो तो HRV बहुत बढ़ जाता है, मतलब दो धड़कनों के बीच एक समान समय नहीं होता, और दिमाग को डेंजर का सिग्नल जाता है और फ्रंटल लोब यानी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और आप सब कुछ समझते और जानते हुए भी मूर्खतापूर्ण डिसीजंस लेने लगते हो और चाहकर भी सही काम नहीं कर पाते। आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पर अपनी HRV को कंट्रोल में लेना होगा, यानी भले ही आपकी हार्ट बीट तेज हो जैसे एथलीट्स के केस में होता है, लेकिन आपको HRV को कम करना होगा, बीट्स की दूरी को एक समान करना होगा, जिसे कहते हैं कोहरेंस। जितना स्मूथ हार्ट बीट का ग्राफ होगा उतना अच्छा स्ट्रेस में आपका दिमाग काम करेगा और कंसिस्टेंसी रहेगी, यानी आप सही डिसीजंस लेते रहेंगे। इसका तीसरा फायदा भी है, जब आपका दिमाग स्ट्रेस में आता है तो बुद्धिमानी के साथ साथ अवेयरनेस भी खत्म हो जाती है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे आपके इमोशंस और फीलिंग्स आपके विचार और बिहेवियर पर असर डाल रहे हैं। अगर आप अवेयर रहेंगे तो अपने आप अपने विचारों को सही दिशा दे पाएंगे। इस अवेयरनेस के ना होने से किसी दिन आप बहुत इंटेलिजेंट या क्रिएटिव होते हो और किसी दिन नहीं। किसी दिन आपका मन करता है और किसी दिन काम करने का फील नहीं आता। आप क्या सोचते हो, क्यों सोचते हो और कितना अवेयर रह सकते हो, ये सब कुछ आपके HRV पर निर्भर करता है। डॉक्टर कहते हैं कि कॉन्शियसली अपनी फिजियोलॉजी बदलने से आप न केवल अपने विचार बदल सकते हो बल्कि इनकी क्वालिटी यानी इंटेलिजेंस और गहराई भी बदल सकते हो। इसका सबसे इफेक्टिव तरीका है सांस या ब्रीदिंग पर कॉन्शियस कंट्रोल। सांस के 12 पहलू हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हो, स्पीड, पैटर्न, वॉल्यूम, डेप्थ वगैरह वगैरह। इनमें भी पहले तीन फैक्टर्स HRV पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। सबसे पहले आती है रिदम, यानी आपके इनहेल और एक्सेल करने का रेशियो, सांस लेने और छोड़ने का रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, 5-5, 4-5, 5-4, 4-6, कुछ भी। दूसरी रिसर्च के हिसाब से सबसे अच्छा रेशियो है 6-6, यानी 6 सेकंड सांस लेना और 6 सेकंड सांस छोड़ना। दूसरी चीज़ है स्मूथनेस, मतलब सांस लेने और छोड़ने में झटके नहीं होने चाहिए। तीसरी चीज़ है फोकस ऑन द चेस्ट। ये पॉइंट कई लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए कि सांस लेने का सही तरीका है योगिक ब्रीदिंग, जिसे डायफ्रामेटिक या बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। जो लोग योगिक ब्रीदिंग करते हैं उन्हें किसी तरह का प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस सीखने में दिक्कत नहीं होती। लिंक आपको अंत और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ भी योगिक ब्रीदिंग ही करेंगे, लेकिन सांस लेते समय आपका ध्यान चेस्ट पर होना चाहिए। लेकिन चेस्ट पर ध्यान क्यों? इसके दो कारण हैं। आपका हृदय सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। हार्ट आपके शरीर की एनर्जी का मेन सोर्स है, इसलिए अपने सीने पर ध्यान देना आसान है। दूसरा कि पॉजिटिव इमोशंस हमको चेस्ट में महसूस होते हैं, इसलिए कहते हैं मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार करता हूँ या मन लगाकर काम करो। जब आप अपने सीने पर ध्यान रखते हो तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आपको पावरफुल और पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ले जाती है। आप कह सकते हो कि टोटल तीन बातें हैं, रिदमिक ब्रीदिंग, सांस लेने और छोड़ने का रेशो फिक्स्ड होना चाहिए, 6-6 का रेशो सबसे अच्छा है जो आप प्रैक्टिस के साथ विकसित करेंगे, दूसरी चीज स्मूथ ब्रीदिंग, तीसरी चेस्ट एरिया पर फोकस। आप कहेंगे कि मैंने आपको इतनी लंबी कहानी क्यों बताई, अगर नहीं बताता तो आप मानते ही नहीं कि ब्रीदिंग का कंसिस्टेंसी से संबंध हो सकता है, और ये कमाल की अप्रोच इग्नोर कर देते। जब आप इस तरह से सांस लेते हो तो आपकी अवेयरनेस भी बढ़ती है, जिससे आप अपने फीलिंग्स और विचारों के प्रति सचेत हो जाते हो और उन्हें सही दिशा दे सकते हो। तो अगला सवाल है कि हमें कितना अभ्यास करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार 5-5 मिनट से शुरू कीजिए, और 1 बार प्रैक्टिस काम शुरू करने से पहले भी कीजिए। इतना अभ्यास कीजिए कि जब भी आप स्ट्रेस में हो, कंसिस्टेंसी टूटने जा रही हो, तो आपको अपने आप कोहेरेंट ब्रीदिंग याद आ जाए। दोस्तों, किसी भी प्रैक्टिस का मूल है योगिक ब्रीदिंग,
असल में यह हमारे सांस लेने का स्वाभाविक तरीका है। अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो ये वीडियो सेव करके बाद में देखिए। और याद रखिए कि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।